तो दोस्तों पीट्रोन का टेंजेंट लाइट, इसका हम लोग जो है रिव्यू करेंगे। 600 रुपये का मेरे को ये मिला है अमेजोन से। 10-15 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये बेस्ट इन क्लास है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ आपको बताऊँगा और मैं क्यों पीट्रोन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। देखिए ये पीट्रोन के ईयरबड्स हैं जो कि मैं 1 साल से यूज कर रहा था और ये एकदम बेस्ट इन क्लास है। इसकी जो साउंड क्वालिटी एकदम बेस वाली है, वूफर वगैरह एकदम अच्छे से चलते हैं इसके अंदर और चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कम है और पूरा ये 1-2 दिन मेरे को चला कर दे देता है बैकअप बॉक्स के साथ, तो इसलिए इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो पीट्रोन ईयरबड्स अगर आपको ख़रीदना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये वाला जो टेंजेंट लाइट है इसका रिव्यू करते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो पहले देखेंगे क्यों उसको परचेज किया जाए। तो बॉक्स तो जैसा कि आप देख रहे हो उसकी जो खासियत है वो सारी चीज़ें मेंशन है, अलग अलग कलर में ये अवेलेबल है और बॉक्स के आगे पीछे वही थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। बॉक्स के अंदर चलेंगे डायरेक्ट और बॉक्स के अंदर से हमने मेन कंटेंट जो है पहले ही निकाल लिया था, तो बाकी की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। कुछ ईयर टिप्स मिलेंगे आपको और चार्ज करने के लिए एक छोटा सा USB केबल जो कि आजकल नॉर्मली हर किसी वायरलेस ईयरफोन के साथ मिल रहा है। इसके अंदर खासियत क्या है वो ये है, देखिए इसका जो प्रोडक्ट, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी मजबूत है। मैंने इसको 10-15 दिन से यूज किया इसलिए कह पा रहा हूँ। 3 बटन देखने को मिलते हैं, बीच वाला जो बटन है इससे ये ऑन होता है। दूसरी साइड पे यहाँ पे देख सकते हो पीट्रोन की ब्रांडिंग है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। और ये पीट्रोन के जो स्पीकर्स हैं उसका भी रिव्यू करूँगा आगे, कैसे हैं, इसके अंदर बेस है कि नहीं। वैसे बेस है इसके अंदर, अभी हम लोग आगे आपको सुनाएंगे भी इसकी आवाज़ कैसी है। देख सकते हो इस तरीके का है, ये मैग्नेटिक है, आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं जब आप अपने नेक में रखोगे इसे पहन के, तो ये आपस में एक जगह आ जाएंगे। तो बाकी चीज़ें देखें इसके, तो मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इससे पहले मैंने ये मंगाया था, देख सकते हो पीट्रोन का बेस फिट, लेकिन हुआ क्या ये जो है काम ही नहीं कर रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था, बस चार्ज हो रहा था लेकिन ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर उसको नहीं मंगाया, मैंने इसको मंगाया पीट्रोन टेंजेंट लाइट। तो इस बात का ख्याल रखिए कि बेस फिट मैंने मंगाया था जो कि काम नहीं किया, तो मैं अपना वो रिव्यू दे रहा हूँ। और ये टेंजेंट लाइट मंगाया जो कि काफ़ी अच्छे से चल रहा है और ये 650 दिखता है ऑनलाइन, लेकिन ये 600 रुपये में मेरे को मिल गया था। देख सकते हो बीच वाला बटन देर तक प्रेस करने पर ये ऑन हो जाता है। कनेक्टिविटी एकदम आसान है, फ़ोन के अंदर सिंपली आप ब्लूटूथ को ऑन करिए, देख सकते हो दोस्तों, और पीट्रोन BT करके कुछ लिखा हुआ आता है यहाँ पे, जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। और दूसरी चीज़ बताऊँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वहीं से परचेज करिएगा, सेम रेट में आपको मिलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख सकते हो पीट्रोन BT लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे ये अब कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी जो साउंड क्वालिटी मैं आपको सुनाऊँगा, उससे पहले आपको बता दूँ कौन सा वाला आपको जो स्पीकर है कौन से कान में लगाना है। देखिए जिस भी ईयरबड के नीचे R लिखा हुआ है उसको आपको अपने राइट वाले ईयर में लगाना है, देख सकते हो यहाँ पे R लिखा हुआ है और दूसरे वाले में L लिखा हुआ है, वो लेफ्ट साइड वाले ईयर में आपको लगाना है, जिससे क्या होगा आसानी से कान के अंदर रहेंगे। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको चेक करा देता हूँ, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड नॉइज भी ऑन कर दिया है इसको सुनाने के लिए। और इसको जब कान में लगा के सुनते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए बेस वगैरह एकदम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और जो मधुर मधुर सॉन्ग्स हैं वो सब एकदम मधुर आवाज़ में आपको देखने को मिलते हैं। चार्जिंग जैक की बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे ये चार्ज होता है, 1-1.5 घंटे के अंदर ये जो है फुल चार्ज हो जाता है। मेरा तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है फुल चार्ज, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था पीट्रोन का टेंजेंट लाइट, इसके बारे में अभी भी आपको अगर कुछ भी जानना है, कोई सवाल है आपके मन में तो कॉमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, मिलते हैं अगली किसी काम की वीडियो में, तब तक आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।